हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए, आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे एसएससी में जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल मंथ में, 24 अप्रैल का ये पेपर है और ये सीएचएसएल का है जो कि 2022 में हुआ था। तो उस में हम लोग जीके सेक्शन को देखेंगे, यानी जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं जीके में, उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे और ये आंसर की भी आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था जीके में, 100 प्रश्न होते हैं, आप सभी जानते हैं, मैथ 25, रीजनिंग 25 और जीके 25 और इंग्लिश 25, है ना। तो ये हम लोग जीके सेक्शन देखेंगे जिसमें 25 प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और ये एग्ज़ाम हुआ था 24 अप्रैल को 2022 को, ठीक है ना, सीएचएसएल का पेपर है। तो देखिए, पहला प्रश्न था कि भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एवं संवैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यह किया था 2003 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये राइट आंसर दिया है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था जीके में कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह जय प्रभा मेनन को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 जनवरी 2022 को तीन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से नहीं है? तो यह नागालैंड नहीं है, ऑप्शन नंबर जो नागालैंड दिया है यह नहीं है, बाकी और है। इसके बाद नेक्स्ट है, चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल के लिए किया जाता है? तो यह शतरंज खेल के लिए किया जाता है, चेकमेट का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा का सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था? तो वह था रुक्मणी देवी रुडेल। नेक्स्ट प्रश्न छठा है, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र एन बराबर सी वी को दर्शाता है ना, एन बराबर सी वी को दर्शाता है। तो पूछ रहा है कि सी क्या है भिन्न में से, तो ये निर्वात में प्रकाश की गति है, है ना, यानी प्रकाश की स्पीड है। निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर का गुफा है? तो बारा गुफा जो है चूना पत्थर की गुफा है। नेक्स्ट प्रश्न है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस में उन्हें योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो यह कथक से संबंधित है, शंभू महाराज साहब ने जिन्हें नृत्य के लिए योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, है ना, तो कथक से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद चंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किए? तो वह अवंती लेखरा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय सेल्फ कौन सा है? तो यह अंटार्कटिक महासागर एंड साइबेरियन सेल था। नेक्स्ट है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, है ना, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, यह किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 15 में ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्वालिस भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया? तो वह है रोमांसिक विद लाइफ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही सतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो वह शिव कुमार शर्मा को श्रेय दिया जाता है, अकेले ही सतूर, है ना, सतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोमेथेन का रासायनिक सूत्र तो NH3NO2, है ना। नेक्स्ट है, 15 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2021 में शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान किस मंत्रालय का था? तो वह आप सभी जानते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय थे, है ना। नेक्स्ट है, किस फ्रांसीसी रसायन ने 1806 में अपने प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत के प्रवाह के बिना रासायनिक यौगिक के में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है? तो जोसेफ प्रॉस्ट, है ना। नेक्स्ट, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत
कि निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वंदना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एन बी एफ सी और एम एफ आई के लिए व्यक्तिगत ऋणों में ऋणों हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर है, तो वह 4% से अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है, तो वह स्केस। इसके बाद प्रश्न है नेक्स्ट 20वां नंबर, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध हस्तियों में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है, तो द रोड अहेड है ना इम्पोर्टेंट आत्मकथा है, द रोड अहेड यह है आपका बिल गेट्स का, है ना, तो बिल गेट्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कालिदास समान प्रदान नहीं किया गया, तो यह किया गया था कठपुतली की खोल में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तानसेन समान 2020 किसे ने जीता, तो यह जीता है सतीश व्यास, है ना, सतीश व्यास जीते हैं तानसेन समान 2020 का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से 2019 में अपनी पुस्तक इन एरा ऑफ डार्कनेस ने के लिए साहित्य अकेडमिक पुरस्कार नॉन फिक्शन प्राप्त किया, तो शशि थरूर, है ना, शशि थरूर इन एरा ऑफ डार्कनेस, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का बायोफ्राइट है जो कई वातावरण में रहता है और इसके विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते जड़ जैसे प्रकंद और पेरिस्टोम होते हैं, तो वह फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ई एम सुब्रमण्य संगीत वाद्य यंत्र खाली स्थान से जुड़े एक प्रसिद्ध हस्ती है, तो यह गातक से, तो ऑप्शन नंबर जी। तो यह 25 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और समझ सकते हैं कि जो CHSL 2022 में एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू प्रश्न देखने को भी मिला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।